दोस्तों फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ये राफेल लड़ाकू विमान बनाती है और ये कंपनी अब भारत में अपना प्लांट सेटअप करने जा रही है। भारत में भी इन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना है। जी हां गाइस, राफेल अब भारत में बनेगा, भारत के उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्यों चुना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस वाले प्लांट को सेटअप किया जाएगा। अब जो भारत में राफेल मिलेगा आपको, वो मेड इन इंडिया राफेल मिलेगा। राफेल का फैक्ट्री यूपी में खुलने से कितने लोगों को फायदा होगा, आइए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इनसाइड वर्ल्ड। राफेल का ठिकाना बनेगा भारत, यूपी में प्लांट लगाने जा रहा है डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत के मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल MRO सुविधा के लिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट कर दी है। भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है उसको जेवर में बनाया जा रहा है, जिसको कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और इसी के बगल में ये फ्रांसीसी कंपनी लैंड का एक्विजिशन करेगी और यहाँ पर अपना प्लांट को सेटअप करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे डिफेंस सेक्टर को होने वाला है। इससे देश में राफेल लड़ाकू विमानों के नवीनतम संस्करणों के स्थानीय निर्माण के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, ताकि भारतीय वायुसेना की लंबे समय से लंबित लगभग 100 ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए फ्रांसीसी सरकार ने मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रांस में जारी राजनीतिक उथल पथल के बावजूद इमैनुअल मैक्रोन सरकार और डसॉल्ट ने भारतीय वायुसेना की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से सोर्स किए गए घटकों के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए डसॉल्ट एविएशन ने भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करने के लिए लिखित रूप से पेशकश की है। ये सब तब हो रहा है जब इंजन निर्माता सफरान ऐसे हैदराबाद में राफेल लड़ाकू इंजनों के मेंटेनेंस के लिए एक MRO सुविधा स्थापित कर रहा है। यह स्थान कंपनी की नागरिक विमानों के लिए LEAP इंजन फैसिलिटी के बगल में है, जो कि 2025 तक तैयार हो जाएगा। लोगों ने कहा कि सफरान ने यह संदेश दिया है कि यदि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल का ऑर्डर है तो वो भारत में M88 इंजन का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। यह देखते हुए HAL का LCA Mark II JE 414 इंजन के साथ अगले दशक के मध्य से पहले तैयार नहीं होगा। ऐसे में राफेल लड़ाकू विमान न केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करेगा, बल्कि भारत को तीसरे देशों को भी उन्हीं लड़ाकू विमानों का निर्यात करने की अनुमति देगा, यानी कि भारत इन लड़ाकू विमानों को दूसरे कंट्री को भी बेच पाएगा। डसॉल्ट ने राफेल लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए भारत में कंपनियों के टाइटेनियम पार्ट्स की सर्विसिंग को शुरू कर दी है और आपूर्ति श्रृंखला सूची में और अधिक स्थानीय विक्रेताओं को जोड़ने की योजना बना रहा है। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण दोनों करीबी सहयोगियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि डसॉल्ट के पास पहले से ही क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया, मिस्र, कतर, UAE और इंडोनेशिया से लगभग 300 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर है। फ्रांस में जो डसॉल्ट कंपनी है वो अपने देशों में इतने सारे लड़ाकू विमान को नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो भारत में अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, ताकि उनके पास जो अलग अलग कंट्रियों का ऑर्डर है 300 लड़ाकू विमानों का, उनको वो लोग भारत में बना करके पूरा कर सके। यानी कि फ्रांस का जो राफेल लड़ाकू विमान है वो भारत में बनेगा, इससे भारत का भी जरूरत पूरा होगा और इसके बाद वो लोग दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि मेड इन इंडिया के तहत राफेल का निर्माण किया जाएगा और मेड इन इंडिया राफेल का एक्सपोर्ट भी होगा। यह कंपनी लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रही है और फ्रांसीसी वायुसेना ने उससे 42 और राफेल मांगे हैं। मतलब ये फ्रांस की कंपनी है और ये फ्रांस के जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रही है। फ्रांस की वायुसेना ने खुद उनसे 42 राफेल मांगा है, लेकिन ये लोग फ्रांस में राफेल का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कारण है कि फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट भारत में अपना प्लांट सेटअप कर रही है और भारत से ही वो फ्रांस के भी जरूरत को पूरा करेगी, भारत के भी जरूरत को पूरा करेगी और भी उनके पास जो भी ऑर्डर है उनको भी वो पूरा करेगी। इससे भारत के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी बहुत सारा अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करेगी, जिन किसानों से जमीन लेगी उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। देखा जाए तो ओवरऑल इसका फायदा पूरे भारत को होगा। बाकी आप फ्रांस की इस कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ये भारत में आती है तो इससे हमारे वायुसेना को फायदा होगा? यूपी में जहाँ पर ये बन रहा है, क्या वहाँ के लोगों को इससे फायदा होगा? क्या सोचते हैं, आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।